बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है। सबसे पहले इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें जीरा जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। दो हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ हमारा अदरक मिर्च और जीरा अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर मैंने 6 टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, इसे डाल देते हैं। अब यहाँ पे 2 टीस्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे चाट का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा हो जाता है और खिलकर इसका रंग भी आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। एक टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसमें जाएगा चाट की जान काला नमक। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है। सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 कप इसमें पानी डाल दे रही हूँ ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक सकें। इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक देते हैं पकने के लिए। फ्लेम को हम लो कर देते हैं। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तब तक हम अपनी चाट के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, लगभग 250 ग्राम। इसको एक बर्तन में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून चीनी लिया है, इसे डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अब फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है और इसे पकने देते हैं। इसमें थोड़ा सा बस चिपचिपापन आना चाहिए। फ्लेम चिपचिपा होने तक पका लेंगे अच्छे से। यह हमारा सूगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। इसे चेक करने के लिए आप उंगलियों पे लेंगे, ऐसे मत लेंगे तो आपको शहद की तरह लगेगा। हमें ऐसा ही चिपचिपा चाहिए। ये हमारा सिरप बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। हम अच्छे से चला लेते हैं। अब अच्छे स्वाद के लिए मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला डाल दे रही हूँ। इसमें मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटर में। टमाटर हमारे पक चुके हैं। तब यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं। यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए थे तो उसी हिसाब से मैंने 1 कम आलू लिया है क्योंकि हम टमाटर की चाट बना रहे हैं। इसे अच्छे से मैस कर लेते हैं। मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम अच्छे से मैस कर लेते हैं। 6 टमाटर थे इसलिए मैंने यहाँ 5 आलू लिए हैं। अगर आप 7 टमाटर लीजिए तो 6 आलू लेना है, ऐसे ही हमें लेना है। इसमें यहाँ पे हम उबले आलू को डाल देते हैं चाट में। आलू को भी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं टमाटर के साथ।
तो इसमें चाट तो हम सभी को पसंद है। चाट बन रही है तो इसको बनाते बनाते सबके मुँह में पानी आ जाता है। ऐसी जमीन के बाद हमारे चाट में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें इमली का रस डालेंगे ताकि जो मैंने टमाटर डाले हैं उसका खट्टापन थोड़ा कम हो सके। तो अगर आपने ये टमाटर चाट को पहले बना लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका चाट कैसा बना था और आपने कैसे बनाया था। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून इमली का पानी लिया है, इसे डाल देते हैं। अगर आपके पास इमली का पानी ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट बना रहे हैं तो चाट मसाला तो ज़रूरी पड़ेगा। चाट मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती, फाइनली हमारा टमाटर का चाट बनकर तैयार है। तो अंत में हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी चम्मच नींबू का रस लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अपने चाट को सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे आज दोना लिया है, जैसे ठेले पर करते हैं ना सर, वैसे बिल्कुल करेंगे। इसमें हम चाट को डाल देंगे। अपने चाट को सजा लेते हैं तो ऊपर से हम ये चाट मसाला डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें ऐड करेंगे जो मैंने शुगर पानी बना कर रखा है, इसे डाल देंगे शुगर सिरप, धनिया पत्ती। अब इसमें चाहे तो ऊपर से हरी मिर्च डालकर खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो। जाने के लिए मैंने यहाँ थोड़े से चिप्स लिए हैं, आप चाहे तो फुल्की का भी उपयोग कर सकते हैं। ऊपर थोड़ी सी भुजिया नमकीन। जी दोस्तों, यहाँ पर मेरी 2 तरीके की चाट बनकर तैयार है, ये बटर वाली और ये टमाटर वाली। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।